बस इसी मौसम की और कमी थी। बारिश में भीगने में मुझे बड़ा बेकार लगता है, बहुत गुस्सा आती है। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ शायद मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। पता नहीं कितने दिन गुजर गए, दादाजी नाराज़ हो रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ये सवाल उस कोठी में गया क्यों। बहुत बड़ा मेंढक है, कितना बेकार लग रहा है। कहाँ होगी मेरी मंजिल, किधर जाऊँ। चलता जाता हूँ, कहीं तो मंजिल मिलेगी, रुकने से थोड़ी ना मिलेगी। चलो बारिश तो रुकी कम से कम। अरे ये क्या है और ये बदबू कैसी आ रही है। चलते जाता हूँ। कितने बड़े बड़े जाले हैं मकड़ी के, मकड़ियाँ ही हैं जो मुझे बहुत डराती हैं। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मकड़ी काट ले और मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँ। संभल कर चलना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया। अरे मैं तो कोई कीट पतंगे की तरह फंस गया इस जाल में। इतना बड़ा मकड़ी का जाल, तो मकड़ी कितनी बड़ी होगी। इस जाल से निकलने के लिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ेगा। अरे ये आवाज़ कैसी, अरे कितनी भद्दी लग रही है, जल्दी भागो। कितनी बड़ी मकड़ी है, भागता रहा सबल। अब समझ में आया ये सब मकड़ियों का खाना लटका हुआ है। पीछा कैसे छुड़ाऊं इस मकड़ी से। अब नहीं भागा जा रहा है, इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। चलिए बद्दी मकड़ी भाग जा। अच्छा रहा बचकर भाग गया, अब तो मैं सुबह तक यहीं छुपा रहूंगा। एक तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, ऊपर से यह मकड़ी और पीछा ही नहीं छोड़ रही। बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे मर गए। अरे ऐसे कहते हैं सांप सूंघना, कैसे भागूं। बच गया। अब उन सबसे बचने के लिए नदी पार कर लेता हूँ। चौकन्ना रहना पड़ेगा, मगरमच्छ ना हो इस नदी में। इतना अगर मैं रेस में भागा होता तो जरूर गोल्ड मेडल ले आता। ये आवाज़ कैसी थी। अरे भाग सवाल, ये सांप तो इधर भी पीछे नहीं छोड़ रहा। अगर वो कभी तस्वीर मेरे हाथ में आ गई ना, मैं तो भाग जाऊंगा। और कितना चलना पड़ेगा। आ गए सबल, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ लगता है पहुंच गया। तुम ही पूछोगे ना इस दुनिया की पहेली। नहीं सबल, मैं नहीं पूछूंगा पहेली। मैं तुम्हें ये बस बताने आया हूँ, जिस चीज़ की तुम्हें तलाश रहेगी वो मेरे लिए ऊपर और तुम्हारे लिए नीचे रहेगी। ध्यान रखना मेरी बात को। कहता है पहली नहीं पूछूंगा, फिर ये क्या चुटकुला सुना के गया है। यह हवेली देखने में कितनी डरावनी लग रही है। क्या पता इस बार सही जगह आया भी हूं कि नहीं, कब से भटक रहा हूं। इतना चलने के बाद कोई दरवाजा तो नजर आया। अरे यहाँ क्या क्या रखा है, इसमें तो पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है और लकड़ी रखी है।
इसका क्या करूँगा मैं। चलो एक और दरवाज़ा तो नज़र आया, जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या, ये दरवाज़ा तो लॉक है, कैसे खुलेगा, कुछ तो होना चाहिए। अरे इस तिजोरी में क्या है, अरे इसमें तो चाबी लगी हुई है, लगता है इसी दरवाजे की होगी। इस आग को बुझाऊं कैसे, यहाँ तो सिर्फ आग को भड़काने वाली चीज़ें ही रखी हैं। तिजोरी को बंद कर देता हूँ। मैंने पढ़ा था आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब आग को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वह जलेगी कैसे, अब तक तो बुझ भी गई होगी। मिल गई चाबी। अरे ये क्या, यहाँ तो तस्वीरें ही तस्वीरें हैं, यहाँ तो तस्वीरों का मेला लगा हुआ है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, क्या करूँ, और आगे तो खाई जैसा दिख रहा है और पीछे भी, क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा, शायद आगे ही जाना। अरे मैं जानता था तुम यहाँ तक जरूर पहुँच जाओगी, मैं तो तुम पर शुरू से ही नज़र रखा हुआ था, जब से तुमने मेरे जादुई आम खाए हैं। अच्छा वो आम जादुई थे, तभी कहूँ मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है। तुम हो कौन, तुम्हारा तो चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा। तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो लो देखो मेरा चेहरा, अब समझ में आया, मैं तुम पर शुरू से ही नज़र रखा हुआ था जब से तुमने मेरे आम खाए थे। अब तो तुम अच्छे से जान गए हो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा, और तुमने इसका उत्तर सही नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। फिर सवाल मैं पूछता हूँ तुमसे, इस दुनिया का आखिरी सवाल। क्या क्या सच में ये इस दुनिया का आखिरी सवाल होगा, फिर मैं अपने दादाजी के घर वापस लौट पाऊंगा, सच में। पूछो पूछो सवाल। तो ध्यान से सुनना सवाल, इस दुनिया का आखिरी सवाल। सिवेंद्रम नाम का कोई गांव था, जहाँ श्याम नाम का एक व्यापारी नींबू बेचने का काम करता था, और ये है सिद्धार्थ, ये भी बाजार जाकर नींबू बेचा करता था। दोनों साथ में बाजार जाकर नींबू बेचा करते थे। श्याम बाजार के कोने पर और सिद्धार्थ दूसरे कोने पर नींबू बेचा करते थे। दोनों रोज 30-30 नींबू बेचा करते थे, बस फर्क इतना रहता श्याम 1 रुपये में 2 नींबू बेचता और 15 रुपये कमाता, वहीं सिद्धार्थ 1 रुपये में 3 नींबू बेचता और 10 रुपये कमाता। दोनों के नींबुओं में कोई फर्क नहीं रहता। हमेशा की तरह श्याम अपने नींबू लेकर बेचने के लिए सिद्धार्थ के घर की ओर निकलता है, लेकिन उस दिन सिद्धार्थ की तबीयत खराब थी। सिद्धार्थ ने बोला, ये मेरे 30 नींबू से भरी टोकरी बाजार जाकर उसी दाम पर बेच आओ। सिद्धार्थ की तबीयत खराब देख श्याम उसके नींबू बेचने के लिए तैयार हो गया। श्याम दोनों टोकरी लेकर बाजार की ओर चला गया। श्याम बाजार पहुंचकर सोचता है, आज तो ढेर सारे नींबू हैं, इन्हें बेचने में मुझे पूरा दिन भर लग जाएगा। फिर श्याम हिसाब लगाने लगता है कि हम दोनों के पास 30-30 नींबू हैं, मैं 1 रुपये में 2 बेचकर 15 रुपये कमाता हूँ और सिद्धार्थ 1 रुपये में 3 बेचकर 10 रुपये कमाता है, तो क्यों ना 30-30 नींबू यानी 60 नींबुओं को मैं 2 रुपये में 5 बेच दूँ, तो ऐसा करने पर 1 रुपये मेरा रहेगा और 1 रुपये सिद्धार्थ का रहेगा।
और बेचने में आसानी भी रहेगी। फिर उसने 5-5 निब्बुओं की 12 कतारें बना ली। हर एक कतार में श्याम के 2 नींबू और सिद्धार्थ के 3 नींबू थे। पूरे नींबू बिक जाने के बाद अंत में श्याम ने जो पैसे कमाए हुए थे उन्हें जोड़कर देखा तो उसने पाया कि उसने 24 रुपये कमाए हुए हैं। फिर सोचने लगा कि हमेशा तो मैं 15 रुपये कमाता हूँ और सिद्धार्थ 10 रुपये कमाता है, उस हिसाब से 25 रुपये होने थे, लेकिन आज श्याम ने यानी मैंने 24 रुपये कमाए, तो फिर 1 रुपया कैसे कम हो गया? 1 रुपया कहाँ गया? 1 रुपया कहाँ गया सबल? बताओ बताओ सबल, 1 रुपया कहाँ गया? फिर से गणित की पहेली। इतनी पहेलियों के उत्तर मैं ठीक ठीक दे चुका हूँ, क्या इस पहेली के लिए कोई लाइफलाइन है क्या? हाँ है ना लाइफलाइन, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे आधे शरीर को पहुंचा देता हूँ। इस पहेली का उत्तर तो देना होगा सबल, थोड़ा दिमाग लगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ सबल। हाँ तो फिर सुनो राक्षस, इस सवाल का जवाब। इस पहेली में इतना बताया गया है कि 2 नींबू बेचने वाले हैं जो रोज 30-30 नींबू लेकर बाजार जाया करते हैं। दोनों के नींबुओं में कोई फर्क नहीं था, लेकिन श्याम 1 रुपये में 2 नींबू बेचकर 15 रुपये कमाता था और सिद्धार्थ 1 रुपये में 3 बेचकर 10 रुपये कमाता था। एक दिन सिद्धार्थ की तबीयत खराब होने के कारण श्याम को उसके भी नींबू बेचने पड़े, यानी 60 नींबू श्याम को उस दिन बेचने थे। फिर श्याम ने 2 रुपये में 5 नींबू बेचने की सोचा, जिनमें 2 नींबू उसके और 3 नींबू सिद्धार्थ के थे। ऐसा सोचकर उसने 5-5 नींबुओं की 12 कतारें बना ली। ऐसे में 12 कतारों का गुणा 5 नींबुओं में करें तो 60 नींबू हो जाते हैं, लेकिन जब उसने 12 कतारों का गुणा 2 रुपये में किया तो 24 रुपये हुए। फिर श्याम ने सोचा कि मैं और सिद्धार्थ मिलकर 25 रुपये कमाते थे, तो आज मैंने 24 रुपये कैसे कमाए, 1 रुपया कहाँ गया? नींबू बेचते वक्त श्याम से एक गड़बड़ी हो गई थी। जब श्याम उन नींबुओं को 12 कतारों में बेचने लगा तो 10वीं लाइन पर उस सिद्धार्थ के 30 नींबू समाप्त हो चुके थे और आगे की जो 2 कतारें थीं वो 6 नींबू सिद्धार्थ के नहीं उसी श्याम के थे। उनको उसने 1 रुपये में 2 की जगह 3 बेच डाले, जिस कारण उसे 1 रुपये का घाटा हो गया। तुम्हारा उत्तर एकदम सही है सबल, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? तुमने मेरे जादुई आम भी तो खाए हैं। क्या? ये लो चाबी सबल, तुम्हारे घर जाने का रास्ता। इस चाबी से तुम्हें अपने घर जाने का रास्ता ढूंढना है, मतलब कि इन तस्वीरों में वो जादुई तस्वीर भी है जिसमें ये चाबी लगाते ही तुम अपने घर पहुंच जाओगे। आम खाने की इतनी बड़ी सजा, मैं तो कहूँगा इसके सारे आम सूख जाएं। चलो यहीं से शुरुआत करता हूँ, इसमें भी नहीं, इसमें लगा कर देखता हूँ, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, किसमें फिट आएगी ये चाबी? यहाँ तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, चाबी लगाते लगाते मैं तो यहीं बूढ़ा हो जाऊंगा। लगता है यहाँ भी दिमाग का खेल है। हाँ उस चमगादड़ ने कहा था कि जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो उस चमगादड़ के लिए ऊपर और मेरे लिए नीचे रहेगी। चमगादड़ उल्टा सोता है, उसके लिए पूरी दुनिया उल्टी रहेगी, जिस कारण उस चमगादड़ के लिए ऊपर और मेरे लिए नीचे।
मतलब तस्वीर नीचे है जमीन पर। सब जगह लगा कर देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो होगी वो तस्वीर। ढूंढ लिया। इतनी बड़ी तस्वीर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं इस कोठरी में वापस आ गया। सबसे पहले इस तस्वीर को कपड़े से जल्दी ढांक देता हूँ। अरे ये क्या जल रहा है? अरे ये तो वही मोमबत्ती है जिसे मैं यहाँ लेकर आया हुआ था। यानी कि उस दुनिया में जाने पर भी इस दुनिया का एक दिन क्या एक पल भी नहीं गुजरा। जल्दी से निकल जाता हूँ और इस दादाजी की कोठरी में अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा। हेलो दोस्तों, आखिरकार मैं घर पहुंच ही गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।